this is really happening. Hello everyone and welcome back to my channel. This is Gunjan and you're watching Simply Enchanted. So first of all, जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है, पहली बार मेरा वीडियो देख रहा है, so hey guys, my name is Gunjan and I make videos on a content which I love. Basically the content जो मुझे लगता है which is good और मुझे उसके बारे में post करना चाहिए, I should speak about that. मैं उस type का content post करती हूँ और उसके साथ में मैं vlogging भी डालती हूँ, व्लॉगिंग वीडियोस भी डालती हूँ. सो आपको बस इतना सा करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है. नीचे रेड कलर का एक बटन दिखाई देगा, वो रेड इसलिए क्योंकि इसने आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया. सो सब्सक्राइब हो जाओ उसको क्लिक करके. सो या लेट्स गेट स्टार्ट आवर टुडेस टॉपिक. सो बात ये आई कि मतलब ये बात होगी कुछ 3 हफ्ते पहले की, जब मेरे को पता 2-3 हफ्ते पहले की बात है कि मद्रास हाई कोर्ट ने कुछ बैन टिकटॉक के बैन के लिए अपील किया है. सो सुप्रीम कोर्ट इज टेकिंग इट इनटू कंसिडरेशन, अभी कंसिडरेशन में ले रहे हैं, कल परसों पता चला ये बात मुझे. सो द थिंग इज कि सबसे पहले बात तो आती है कि टिकटॉक क्या है. आई थिंक एवरी वन नोज अबाउट दिस कि टिकटॉक क्या है. इट्स सो वेरी फेमस, आई थिंक पबजी से भी ज़्यादा फेमस है. वेल पबजी इज़ बीन बैंड इन गुजरात और टिकटॉक की जब बात आती है तो टिकटॉक किस जगह बैन है तो जितना मुझे पता है इंडोनेशिया में बैन है. एंड आई नो कि वहाँ के लोग कितने क्रेजी हैं. मैं आई थिंक टिकटॉक पे 2 साल से, अब वो टिकटॉक उसका नाम हो चुका है, बट स्टिल इट वॉज म्यूजिकली बिफोर. जो टिल दैट टाइम, जो कि मैंने पहले वाले अपने वीडियो में बताया था टिकटॉक की, तो टिल दैट टाइम जब तक वो म्यूजिकली था उसका बेस काफ़ी सही था, उसका लेवल काफ़ी सही था, काफ़ी सही वीडियो से. जब से ये टिकटॉक हुआ है पता नहीं लोग कुछ भी वीडियो डालते हैं एंड लाइक्स मिल जाते हैं, पॉपुलर हो जाते हैं, कुछ भी कैसे भी करके वो चीज़ फैल रही है. और उसी वजह से देर आर 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि चाहती है कि टिकटॉक बैन हो जाए. दे आर लिटरली सो मैनी पीपल, मतलब मेरे को एक टाइम लगता है कि 80% चाहती है. स्टिल देर आर मोर देन, मतलब मैं कह दूँ कि 80% ऐसी पॉपुलेशन है जो वीडियोस बनाती है एंड दे आर एक्चुअली लाइकिंग. सो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आना चाह रही हूँ कि जो लोग चाहती कि बैन हो वो एट द सेम टाइम उस चीज़ को एंजॉय भी कर रहे हैं. मतलब ऐसे भी लोग हैं जो एक तरफ तो चाहते हैं कि टिकटॉक बैन हो जाए लेकिन अपने फ्री टाइम में या कुछ भी टाइम पास के लिए यूज टिकटॉक की वीडियो देख लेंगे कि टाइम पास हो जाएगा इससे. और एक समय पे मतलब तुम उसका यूज़ भी कर रहे हो और वही वाली चीज़ होगी कि देन वाई द यू गाइज वॉन्ट बैन. अगर तुम्हें वीडियोज पसंद ही नहीं तो तुम देख क्यों रहे हो, पहली बात तो ये आती. सो द सेकेंड थिंग दैट केम्स की वाई टिकटॉक के बैन के लिए अपील की गई है वो इसीलिए क्योंकि बोल रहे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी इंक्रीज होती है. सो मैंने जितने भी वीडियोस देखे आई थिंक मैं बहुत ज़्यादा टाइम मैंने मतलब वीडियोस देखती भी हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम मैंने देखे भी है. जो फॉर यू वाला सेक्शन आता है उसमें देर इज़ नो सच कंटेंट आई फाउंड. हो सकता है मैंने मेरी नज़र में नहीं आया, ऐसा नहीं है कि मैंने हर कुछ देख रखा है, पर हो सकता है बिकॉज बिफोर अपलोडिंग बिफोर शूटिंग दिस वीडियो मैं रिसर्च करती हूँ हर वीडियो का, तो मैंने देखा पीपल आर सेइंग कि बहुत ही अजीब तरह की, या जब मैं कहती हूँ अजीब तरीके की तो उसी टाइप की वीडियोस मैंने अपने एक टिकटॉक स्पेशल जो वीडियो बनाया था, यू कैन वॉच इट ओवर सजेशन में, उसका लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे चेक कर लेना. तो जब मैंने वीडियो बनाया तो मैंने उसमें वही चीज़ डालती है कितने अजीबो गरीब वीडियोस टिकटॉक पे हैं और वो वायरल है. मतलब एक लड़की लिटरली स्क्रीन कर रही है एंड पीपल आर एंजॉइंग मेकिंग फन एट द सेम टाइम. वो ढिंचक पूजा वाली चीज़ हो गई है, तो मतलब तुम लोग देख भी रहे हो, हंस भी रहे हो उस चीज़ को देख के. थर्ड थिंग दैट केम्स आउट कि ये भी लोग क्लेम कर रहे हैं कि पीपल लोगों की मतलब लोग मर रहे हैं, लोग सुसाइड कर रहे हैं, कुछ भी कैसे भी, मतलब वही है कि वीडियो बनाते बनाते लोगों की जाने जा रही है एंड ऑल ये सब हो रहा है, सुसाइड हो रही है. सो आई कैन से दिस थिंग कि हो भी सकता है क्योंकि देर वॉज दिस की चैलेंज दैट केम एट दैट टाइम. इट वॉज सो मच स्प्रेड एट दैट टाइम, इतना ज़्यादा वो फैल गया था वो चीज़ की. इवन माई फ्रेंड्स फोर्स मी टू डू दैट की चैलेंज. मैंने थोड़ा बहुत कर लिया स्टिल ऐसे नाम के लिए, ऐसा कुछ मैं नहीं चाहती करना क्योंकि आई वॉज ऑल्सो अगेंस्ट दैट काइंड ऑफ कंटेंट. सो वैन आई वॉज एक्चुअली सर्चिंग आउट की कंटेंट मतलब इसके बारे में टिकटॉक गेटिंग बैन, तो मेरे को बहुत सी चीज़ें वीडियोज मिली जहाँ पर मैंने देखा लोग क्या बोल रहे थे. पीपल वर सेइंग कि टिकटॉक इज ऑल्सो ट्राइंग इन द फ्यूचर ऑफ गिविंग मोनिटाइजेशन फॉर इट्स वीडियो जैसे यूट्यूब देता है. सो आई थॉट कि दैट्स अ गुड थिंग बिकॉज देर आर लॉट
एंड अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन ओवर देयर ऑन टिकटॉक, और हर किसी को पता है. और मैं से मतलब मैं बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन डिसलाइक्स. अब जो कोई भी वीडियो देख रहा है उसको टिकटॉक नहीं पसंद है, उसकी अपनी चॉइस है. क्योंकि एट लास्ट तुम समझदार इनफ हो कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं. मैं कोई नहीं होती तुम्हें बोलने वाली. एंड एट लास्ट ये वाली चीज भी आती है जो मैंने उस वीडियो में भी बोला था अपने, कि अगर घर बैठे पॉपुलैरिटी मिल रही है तो कौन नहीं चाहेगा अवेल करना. ऑब्वियसली आई मेक टिकटॉक वीडियोज, मैं भी इसीलिए वीडियो बनाती हूँ ताकि मुझे भी फेम मिल जाए. यही एक जरिया है. अगर कुछ चीज ऐसी मिल रही है तो हम उस चीज को क्यों नहीं. सो आई वॉन्ट से कि मैं अगेंस्ट हूँ टिकटॉक के या मैं बिल्कुल साथ में. मेरा बस ये है कि जिस टाइप का भी कंटेंट कभी भी तुम्हें लगे कि ऐसा कुछ कंटेंट आ रहा है तो देयर इज अ ऑप्शन ऑफ रिपोर्ट. रिपोर्ट करो और मेक श्योर कि जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीपल हु आर देयर ऑन टिकटॉक, उनको भी बोलो कि इस टाइप के कंटेंट को रिपोर्ट करें. एंड इट विल टेक एक्शन लाइक वाइज इंस्टाग्राम डज, कि वो भी एक्शन लेता है वैसे ही वो भी करेंगे. सो जितना हो सके उस चीज़ को रिपोर्ट करो. बाकी मेरा ये मानना है कि पागलपंती का जो कंटेंट होता है उसको इतना ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, तो मैं ये तो सोचती हूँ कि देखो अब टिकटॉक वर्क भी अकॉर्डिंग टू दैट करता है. जैसे किसी ने एक वीडियो बनाई, सपोज मैंने एक वीडियो बनाई, सो मेरे पर्टिकुलर नंबर ऑफ फॉलोवर्स है, थोड़े बहुत फॉलोवर्स ने लाइक कर दिया, थोड़े बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग मेरे फॉलोवर्स नहीं उन लोगों ने लाइक कर दिया. अब मेन चीज़ होती ये है कि सपोज चार लोगों ने मेरा वीडियो लाइक करा, अब टिकटॉक क्या करेगा उस वीडियो को थोड़ा आगे और ब्रॉडकास्ट करेगा बिटवीन 10 पीपल. 10 में से डिपेंड करता है कि उसमें से कितने लोग लाइक करते हैं. अगर 5-6 लोग लाइक करेंगे वीडियो को तो वीडियो और आगे फॉरवर्ड होगा और 20 लोगों को और दिखा जाएगा. पर अगर 2-3 जन ने लाइक करा तो वीडियो को फॉरवर्ड नहीं करते हैं, फॉर यू पेज होता है उस पर नहीं डालते हैं, वो लोग वहीं पर स्टॉप कर देते हैं. लेकिन 10 में से 5 लाइक किया, 20 में से 10 ने किया, फिर उसको ऐसे फॉरवर्ड करते करते वो इतने सारे लोगों के पास जाता है कि इतना लाइक और उसको मिल जाता है. पर ये बेसिकली हो कौन से कंटेंट के साथ रहा है, ये मेनली उस कंटेंट के साथ हो रहा है जो बकवास. मैंने सोचा भी था कि टाइम वेस्ट हो रहा है टिकटॉक पे, क्या करूँ. मैंने सोचा टाइम पास के लिए कर सकते हैं अगर मैं टिकटॉक वीडियो देख रही. तो लोग क्या करते हैं, जब भी कोई वीडियो आती है तो उस वीडियो को लाइक करने के पीछे 2 रीजंस होते हैं. पहला, अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि टिकटॉक पे सिर्फ वीडियोस देख रहा है, रेगुलर वीडियोस देख रहा है, वो सिर्फ एंजॉय कर रहा है और कुछ नहीं देख रहा है कि कितना पागलपंती क्या नहीं है, वो सब चीज देख रहा है. दूसरा, एक ऐसा बंदा है जो कि यूजर है, जो यूज करता है टिकटॉक. सो अगर वो बंदा उस वीडियो को लाइक कर रहा है तो उसके पीछे उसका यही एम है कि वो सेम वीडियो बनाएगा, क्योंकि जो वीडियो उसने लाइक करी है उस पर बहुत ज्यादा लाइक है. तो अगर वो भी वैसा वीडियो बनाएगा तो उस पर भी लाइक मिलेगी. दिस इज हाउ दी, मतलब ऐसे ही चीज वर्क करती है टिकटॉक पे, कि अगर तुमने कोई पर्टिकुलर वीडियो बहुत ज्यादा फेमस है उसका देखा देख तुम लोगों ने वीडियो बनाया तो तुम्हें मोस्ट प्रोबेबली मोर लाइक्स मिलेंगे तुम्हारे और वीडियोस से. सो एक मेंटेलिटी, इस वजह से लोग बहुत ज्यादा लाइक कर देते हैं. सपोज किसी वीडियो के 10,000 बोल दो लाइक्स है तो एक बंदे को लगेगा अरे हाँ ये काफी इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस पर अच्छे लाइक्स आ सकते हैं, उसको लाइक करेंगे. ऐसे हर कोई ऐसे ये चीज सोचने लगेगा तो वीडियो का इतना ज्यादा चीज बढ़ जाएगी कि उस पर इतने लाइक्स मिल लेंगे. पर अगर कोई पागलपंती का वीडियो है, रिसेंटली मैंने देखा एक वीडियो था जो ऐसे पागलपंती में वीडियो बनाया कुछ भी. प्रॉब्लम ये है कि उस चीज को देख के जो थोड़े पढ़े लिखे लोग हैं, थोड़े समझदार लोग हैं, थोड़े अपर क्लास वाले लोग हैं, वो लोग भी उस चीज़ को देख के वो कंटेंट बना रहे हैं. मतलब क्या क्या चाहते क्या हो तुम बेसिकली अपना लेवल गिरा रहे हो जितना तुमने वीडियो बनाया, जितने फॉलोअर, मतलब तुम ऐसा कैसा कंटेंट बना रहे हो. कुछ भी कंटेंट आता है इस वजह से इस पे हेटरेट इतना बढ़ रहा है. म्यूजिकली तक था, इतना नहीं था प्रॉब्लम, क्योंकि म्यूजिकली वॉज ऑलवेज, मैंने जैसे कहा कि पूरा ट्रांजिशन का था भाई. ऐसा नहीं था कि फोन सामने रख दिया और कुछ भी बोल लिया, डायलॉग सुन लिया, नहीं. म्यूजिकली में मेन म्यूजिक ही था, म्यूजिक वो बीन यूज. ऐसा नहीं था कि ट्रांजिशन ये सामने से डायलॉग बना दे, फिर उसके लिए उस टाइम पे वो था अपना जो भी डायलॉग के लिए कौन सा था, स्टिल डोंट रिमेम्बर दैट ऐप, बट आई यूज दैट ऐप एज वेल. सो डायलॉग के लिए वो था, लेकिन अब डायलॉग भी आ गया म्यूजिक. चलो मैं मान रही हूँ कंटेंट बढ़ रहा है और टिकटॉक काफ़ी ज़्यादा कमा रहा है इससे. सो इसी वजह से वो सोच रहे हैं कि मोनेटाइजेशन वाली चीज़ ऑन करें. पर अगर इस टाइप का कंटेंट अगर ज़्यादा बढ़ा आई थिंक कि वो बढ़ ही रहा है, तो मैं एक पॉइंट ऑफ टाइम मैं भी छोड़ने का सोच ही रही हूँ. जैसे पबजी बैन हो चुका है गुजरात में, वैसे हो सकता है टिकटॉक भी कोई बहुत सी जगह बैन हो जाए इंडिया में अगर इतना प्ली कर रहे हैं. बट यही है कि
कब चीज़ ये, अभी तो अपील करी गई है और मामला सुलझने में कितना टाइम लगेगा उस पर डिपेंड करता है। बस मैं तो यही कहना चाहती कि जो कुछ भी कभी भी ऐसा लगे कि कंटेंट ऐसा है जो सही नहीं है या आलतू फालतू, मतलब कुछ भी बना दिया लोगों ने, था क्या है पर हो क्या गया, सो बेसिकली लेवल गिर गया टोटली। मैं ना उस पुराने वीडियो में बोला था लेवल गिर चुका है। सो अगर तुम तुम्हें लगता है कि नहीं है सब तो रिपोर्ट करो, और तुम्हें नहीं पसंद है आप तो मत डाउनलोड करो, मत देखो फन के लिए वीडियोस। तुम फन के लिए भी क्यों देखो भाई वीडियोस, तुम्हें अगर टिकटॉक पसंद नहीं तुम उसी चीज़ को कर रहे हो, एक तरफ तो तुम बोल रहे हो कि ख़राब है दूसरी तरफ उसी के मज़े ले रहे हो, क्या मतलब है। तो नो, मैं ऐसे देखती रहती हूँ कमेंट्स वगैरह पढ़ती रहती हूँ कि लोग कितना ज़्यादा हेट करते, कोई बात नहीं, चलो दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई नो वीडियो लंबा खिंच गया है, ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था, बस ये बताने का, दो तीन पॉइंट्स बताने का था कि क्यों बैन हुआ है, हाउ इट वर्क्स, और कहाँ कहाँ पे गलती हो रही है ऐप में। हाँ, ऐप में गलती है, इस टाइप के कंटेंट को डिलीट कर देना चाहिए और इसको प्रमोट करना नहीं चाहिए द वे इट वॉज, उसको वैसा ही रहने दो। मतलब हाँ, मैं मानती हूँ हर चीज़ पहले भी ये चीज़ था कि स्पोर्ट्स वगैरह एंड ऑल हर किसी पे लोग कंटेंट बनाते, पर अब कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज हो गया है, वह चीज़ अच्छी है, पर जैसे कि मैंने कहा कि फालतू कंटेंट बहुत ज़्यादा है। सो अब मैं कहूँगी कि दैट्स इट फॉर द वीडियो, या ज़्यादा बोल दिया आज मैंने, मेरा भी गला दुख गया। सो जाते जाते अगर अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया, यहाँ तक आ गए हो तो फटाफट सब्सक्राइब करो मेरे चैनल के साथ, जुड़ जाओ सिंपली एंड चैनल के साथ ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। आगे बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है लगातार मैं ऐसे वीडियोस डाल रही हूँ, आफ्टर YTFF व्लॉग नहीं आया है, दो वीडियो कंटिन्यूस सामने बैठ के बोलने वाला है। सो बस लाइक करके जाना अगर तुम अग्री करते हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कमेंट भी करके जाना अगर तुम्हें लगता है टिकटॉक शुड बी बैंड, और नहीं टिकटॉक बैन नहीं होना चाहिए, इट्स गुड। तो जो जैसा भी तुम्हें लगता है कमेंट करो और मुझे बताओ वीडियो कैसा लगा, एंड या जाते जाते लाइक का बटन का दबा देना एंड शेयर भी कर देना थोड़ा, और सब्सक्राइब भी कर देना, बस इतना सा मैं बोलना चाहूँगी। ओके, बाय बाय।